उत्तर प्रदेश के कन्नौज में कार्यवाही न होने से परेशान दुष्कर्म पीड़िता ने की आत्महत्या। 10 दिन पहले गांव के 2 युवकों ने किशोरी का किया था अपहरण। अपहरण कर किशोरी को दिल्ली ले गए थे युवक। कुछ दिन तक कमरे में बंद कर दोनों ने किया गैंगरेप। अस्मत लूट किशोरी को गांव से कुछ दूर छोड़कर हुए फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद भी नहीं की आरोपियों पर कार्यवाही। लगातार समझौते के दबाव और कार्यवाही न होने से परेशान किशोरी ने की सुसाइड। एसपी तक मामला पहुंचा तो लापरवाह चौकी इंचार्ज मानसिंह को किया सस्पेंड। सौरिक थाना क्षेत्र के ईसमपुर गाँव की थी पीड़िता निकिता। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आज 23 जुलाई को थाना सौरिक क्षेत्र अंतर्गत एक नाबालिग लड़की उम्र करीब 17 वर्ष की सुसाइड करने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। पंचायतनामा भर शव को मोर्चरी के लिए भेजा गया है। उक्त लड़की के संबंध में 11 जुलाई को थाना सौरिक में गुमशुदगी के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। लड़की को 14 जुलाई को बरामद कर लिया गया था और 18 जुलाई को 183 BNSS के अंतर्गत कोर्ट के समक्ष इसका बयान कराया गया था, जिसमें लड़की ने बताया था कि 2 लड़के थे जो इसे दिल्ली ले गए थे, जहां पे इसके साथ दुष्कर्म किया था और वापस खड़नी थाना सौरिक क्षेत्र अंतर्गत छोड़ के चले गए थे। आज इनके परिजनों ने तहरीर दिया है कि जो अभियुक्तगढ़ थे इन पर समझौते का दबाव बना रहे थे, जिसके चलते लड़की ने सुसाइड कर लिया है। उक्त प्रकरण में एक अभियुक्त को हिरासत में लिया जा चुका है। अन्य जो अभियुक्त है उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इस पूरी विवेचनात्मक कार्रवाई में विवेचक की प्रथम दृष्टिया लापरवाही दृष्टिगोचर होती है। इस कारण से इसमें SI मानसिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और इनके विरुद्ध अलग से विभागीय कार्रवाई प्रचलित की गई है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।